साडा पंजाब जे कुते कोई भी जना रोपड़ दे नेड़े तेड़े गया होवे ता संगोल दे विच जे चात मारो तुहानू हकीकत नजर आएगी कि असी इतिहास नू रोल दे किवें। 4500 वरे पहलां तो जिथे सिविलाइजेशन एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि पांच सभ्यतावां दे अंश ने ते जिथे सिर्फ इट्टां बचियां ने यह दर्शाउंदियां ने कि उस समय भी चीन तो लोग पढ़न आउंदे सन पंजाब दा ए हाल सी जिथे अज लानत पाई जांदी है कि इन्हां दा कल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर है या बंदूकां या इस वेले नशियां दे विच गर्क जाना ये कल्चर पंजाब दा नहीं सी। दुनिया भर विचों जिथे लोग पढ़न लई विद्या हासिल करन लई पहुंचदे होण ते जिथे पांच सभ्यतावां राज कर गईयां जिथे यह भी अज तक दिसदा है कि उस समय दा जिस तरीके पानी तक संभालण दा जो बनाया गया सी वह सब कुछ अज भी बचिया पिया लभ जांदा है। दिसदा है कि इट्टां साबत ने पर उत्थे उकरे होए शब्द जो लिखे हुए ने कोई पढ़न वाला नहीं ना कोई यह पछाणदा है कि इत्थे कौन सन इन्हां दे पिछोकड़ की सी इन्हां दी सभ्यता की सी उन्हां बारे किसे नूं कुछ ज्ञान नहीं बस इन्ना ही मनदे ने कि जे चित्रकला है बहुत खूबसूरत है जो घड़ियां हुई चीज़ां मिलदियां ने बहुत वधिया ने भांडे बचे पए ने सोना बचिया पिया चांदी बची पई है इंसान कोई नहीं उन्हां दी होंद साडे लई खत्म हो चुकी है। ते जे झात मारीए जिन्नियां भी सभ्यतावां खत्म हुई ने उस सारियां दियां सारियां विच की वापरिया सी पावे मोइंजो दड़ो होवे या जिन्नियां भी होर गईयां माया सभ्यता ए सब गईयां ता कारण पता जे की मिलदे वड्डा कारण ते पहला कारण सी कि उत्थों दा पानी खत्म होया। दूजा वड्डा कारण सी कोई ऐसी बीमारी लगी जिस बीमारी सदका वड्डी पद्धर ते मौतां हो गईयां ते तीजा कारण सी कि उत्थों लोग तुरने शुरू होए किसे ऐस थां ते जिथे उन्हां नूं घट्टो घट कमाई दा कोई साधन मिल सके। पंजाब अंदर झात मारनी चाहोगे 1200 फुट ते असी पानी कढ़न लग पाया यानी असी ये धरती बंजर कर दित्ती है। जे दूसरे पासे झात मारीए तां कोई माड़ी बीमारी जिहदे विच कैंसर नाल ते असी खत्म हो ही रहे हां पर जिन्ने क नशियां दे टीके विन छड़ियां ने असी नसा नौजवानां दियां उन्हां राहीं जिहड़ी एड्स हो रही है उहदे विच असी पंजाबी मूरी साबत हो रहे हां। पंजाबी आ ना हर थां ते असी पहले नंबर ते आउणा लोचदे हां कोई भी कारण होवे किसे भी थां होए देस वास्ते जान वारनी होए तां भी पंजाबी पहले नंबर ते नशे करने होण तां भी पहले नंबर ते हुण हाल इह है कि एड्स दे जिहड़ी असी बीमारी सहेड़ लईए नसां दे विच टीके ला रहे हां जो नशियां दे उन्हां दे नाल इस वेले दुनिया भर विचों साडा अमृतसर जो सिफती दा घर जिन्हों असी गर्क छड़िया है ये कह के विश्व पद्धर ते असी पंजाबी उहदे विच किवें पहले नंबर ते आ कि असी एड्स दी बीमारी दे विच 30% अपने ओ नौजवान शामिल कर लेने जिथे दुनिया भर विच गिणती 9% है असी पंजाबी बल्ले बल्ले करवा दित्ती है कि इन्ने क नशियां दे टीके लावांगे ते उन्हां नसां दे राहीं जिहड़ी ये बीमारी सहेड़ांगे उहदे विच असी 30% नौजवान एड्स दी बीमारी नाल ग्रस्त कर दित्ते ने। तीजा वड्डा नुक्ता जो किसी भी सभ्यता नूं खत्म करन लई चाहीदा है वड्डी पद्धर ते इत्थों नौजवान बाहर नूं निकलने शुरू हो जाण। जरा गिणती कर लियो कॉलेजां वाले यूनिवर्सिटियां वाले चीकां मारदे ने साडे कोल इस वेले बच्चे दाखल नहीं हो रहे ये सारे दे सारे बच्चे इक्को ही गल फड़ के बैठे ने कि असी अमरीका जाना है कनेडा जाना है आस्ट्रेलिया जाना है पर पंजाब विच नहीं रहना। आखिर असी छड़िया की है पंजाब नूं इक मोइंजो दड़ो विच तब्दील होण विच इक पासे पानी खत्म कर दिता हवा जहरीली कर दिती पीण नूं जो भी मिल रहा है किन्ना क जहर घुल चुकिया है वह किसी तो लुकिया नहीं। पंजाबी किस तरीके कैंसर नाल तां मारी रहे ने पर जेड़ियां आने वाले समय विच लाशां दिसणियां ने
ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਕੱਢੋ, ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਹਤੇ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਸਣਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਗਿਣਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿੱਤ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜੀਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ